गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल राजकुमार सिंह इंग्लिश स्टार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं के पोएट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है द फाउंटेन, जिसका मतलब है फब्बारा, जिसको लिखे हैं जेम्स रूसे लॉवेल। इस पोयम में यह दिखाया गया है कि फब्बारा किस प्रकार से दिन और रात दोनों में सुंदर दिखाई देता है, चांद के प्रकाश में सुंदर दिखाई देता है, जब हवाएं चलती है तो यह फूल की भांति हिलता रहता है और यह कभी थकावट महसूस नहीं करता है क्योंकि यह सदैव गति में रहता है, यह लगातार अपना काम करता रहता है, यह लगातार अपना पानी ऊपर की ओर फेंकता रहता है और इससे कभी हम लोगों को यह समझाने की कोशिश करता है कि झरने की भांति हमें ताजा रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, परिवर्तनशील तथा दृढ़ रहना चाहिए। इंटू द सनशाइन, सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में फूल ऑफ द लाइट, प्रकाश से पूरी तरह से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग उछलते हुए एंड फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न का मतलब हो जाएगा मॉर्निंग, यानी कि सुबह से रात तक ये क्या करता है, उछलता रहता है और चमकता रहता है। फब्बारा सूर्य के प्रकाश में उछलता रहता है तथा चमकता रहता है, प्रातः काल से रात्रि तक अपना कार्य करता रहता है। आगे लिखा है कि इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में वाइडर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा, वाइडर मतलब सफेद हो जाता है, चंद्रमा के प्रकाश में ऐसा लगता है कि जो फब्बारा है वह बर्फ से भी ज्यादा सफेद हो गया है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलता रहता है, फ्लावर लाइक मतलब फूलों के समान, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब विंड्स मतलब हवाएं, ब्लो मतलब बहती है, जब हवाएं बहती हैं तो यह फूलों के समान हिलता रहता है। पूरा समझ लीजिए, चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद लगता है और जब हवाएं बहती हैं तो यह फूलों के समान हिलता हुआ प्रतीत होता है। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रशिंग इन स्प्रे, रशिंग का मतलब होता है तेजी से भागना, एंड स्प्रे मतलब आप लोग जानते हैं स्प्रे का मतलब होता है फुहारा, तो तेजी से यह फुहारा फेंकता है, ऐसा लगता है कि यह फुहारा छिड़क रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, और मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि, अर्धरात्रि में यह प्रसन्न दिखाई देता है, हैप्पी बाय डे, तथा दिन में भी यह प्रसन्न दिखाई देता है, आधी रात में भी यह प्रसन्न दिखाई देता है और दिन में भी यह प्रसन्न दिखाई देता है। इवर इन मोशन, फब्बारा सदैव, मोशन मतलब गति में रहता है, ब्लाइदर सम एंड चियरी, ब्लाइदर सम मतलब प्रसन्न रहता है एंड चियरी मतलब प्रफुल्लित रहता है, फब्बारा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, देखिए हेवन वार्ड, हेवन मतलब स्वर्ग होता है लेकिन इस पोयम में इसका मतलब हो जाएगा आसमान, हमेशा यह आसमान की ओर चढ़ता रहता है, नेवर अ वियरी, और यह कभी वियरी मतलब थकान महसूस नहीं करता है। फब्बारा जो है ऐसा लगता है कि हमेशा आसमान की तरफ चढ़ रहा है, जैसे फब्बारा ऊपर की तरफ पानी को फेंकता रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आसमान की ओर चढ़ रहा है और वह कभी थकान महसूस नहीं करता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में यह ग्लैड मतलब प्रसन्न रहता है, यानी कि फब्बारा सभी मौसमों में प्रसन्न दिखाई देता है। स्टील सीमिंग बेस्ट,
और यह सदैव अच्छा दिखाई देता है, बेस्ट, सबसे अच्छा। यह हमेशा ऐसा सी मतलब प्रतीत होता है, हमेशा यह अच्छा प्रतीत होता है, यानी कि यह हमेशा अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड आर डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। देखिए, कहने का मतलब यह है कि अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर और डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर। यह ऊपर की ओर तथा कभी कभी नीचे की ओर पानी फेंकता है। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मतलब गति, दाई मतलब होता है तेरा यानी कि फव्वारे का, रेस्ट मतलब विश्राम, गति ही इसका विश्राम है, यानी कि गति में ही यह विश्राम करता है। ऐसा लगता है कि यह गतिशील होते हुए भी विश्राम कर रहा है। फूल ऑफ ए नेचर, फब्बारा जो है वह नेचर मतलब प्रकृति से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, टेम मतलब होता है पालतू, तो यहाँ पे मतलब पालतू का मतलब ही होता है कि जब हम किसी जानवर को पालतू बनाते हैं, मतलब ये होता है कि हम उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं। तो कह रहा है कि नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता है, अर्थात वह अपना कार्य करना बंद नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, वह प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण चेंज बदलता रहता है। इवर द सेम, फिर भी वह सदैव एक समान लगता है, यानी कि फिर भी वह सदैव गतिशील लगता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मतलब लगातार सदैव, एस्पायरिंग मतलब ऊपर की ओर उठता, फब्बारा लगातार ऊपर की ओर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मतलब संतुष्ट, और वह सदैव संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, देखिए कहता है कि चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, दाई मतलब तेरा यानी कि फब्बारे का, एलिमेंट मतलब तत्व है। कहने का मतलब यह है कि चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य का प्रकाश हो, जो फब्बारा है वह हमेशा अपने गति से कार्य करता रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, देखिए अंतिम पैसेज में लिखा है कवि ग्लोरियस फाउंटेन, इसको संबोधित करते हुए कहता है कि हे शानदार फब्बारा, ग्लोरियस शानदार, हे शानदार फब्बारा, लेट माय हार्ट बी, वह कहता है कि लेट माय हार्ट बी, मेरा भी हृदय हो जाए फ्रेश मतलब ताजा, चेंजफुल मतलब परिवर्तनशील, कांस्टेंट मतलब दृढ़, अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर उठते रहने का गुण, लाइक दी मतलब तेरे समान। देख लीजिए एक बार दोबारा समझ लीजिए, हे शानदार फब्बारे, मेरा भी हृदय तुम्हारी तरह से ताजा हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए, दृढ़ हो जाए और सदैव ऊपर की ओर उठने वाला बन जाए, यानी कि सदैव प्रगतिशील बन जाए।